भाई तुम्हारे लिए इतना दूर से है लेकिन तुमने बात नहीं किया ना है? हाँ? जा रहे हैं बाय बाय। तो गाइस ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मुगन है। बस कर साल बस कर, ये गाड़ी चला रहा है, अभी चलाएगा। अभी हम लोग पहुँचने से पहले पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो सर कैसे पहुँचाएंगे आप, जनता को बोल दीजिए हम लोग सेफ्टी में रखेंगे कि नहीं? सही सलामत पहुँच गए तो बताते हैं, सेफ्टी में रखेंगे ना। हाँ चलिए, तो बैठ रहे हैं इसे गाड़ी भी हम, लेकिन अब देखिएगा कैसे चलाता। चल चल, ये देखो इसका सीट देखो, अभी है 50 का काटा पार कर गया। वाह, यहाँ से मेरा स्कूल आ गए, हम लोग यहाँ पढ़ते थे, और ये मतलब खेती है, इसमें पानी जम गया हुआ है, इसीलिए इसको ऐसे बना दिया गया। ये स्टेज मतलब जैसे कि शादी में भी काम आता है, जैसे नवरात्रि दुर्गा पूजा यहाँ पे होता है, इसीलिए वहाँ पे भी कोई कार्यक्रम होता है। और ये जो मतलब ये फील्ड देख रहे हो, इससे ही आगे ये जो मतलब देख रहे हो ये ग्राउंड, इसमें हम लोग पहले क्रिकेट खेला करते थे, हम सारे दोस्त वोस्त खेला करते थे। अभी क्रिकेट होता है पर अभी मतलब बंद है स्टॉपिक, क्योंकि इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा धूप रहता है, इसलिए कोई खेलने नहीं आता है। और हम हमारे दो दोस्त यहाँ पे गाइस मतलब जग लगा हुआ था, जग बहुत भारी था, मतलब विष्णु भगवान का जग वगैरह लगा हुआ था। अभी तक सामान यहीं पे पड़ा है, अभी तक गया नहीं, लेकिन मतलब ख़त्म हो चुका है, ये सारा कुछ यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और ये मतलब ये हमारा जो है लखनऊ का रास्ता है, और यहाँ से मतलब लेफ्ट लेंगे और यहाँ से हम चलेंगे झंझारपुर की ओर, क्योंकि ये रोड झंझारपुर तक आपको मतलब छोड़ सकता है, झंझारपुर NH तक आप लोग को ले जा सकता है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और दिखा रहे हैं आप लोग को, और ये पहुँच गए जो मतलब लखनऊ पास करके रामचौक पार कर गए हम लोग। और इसके बाद आ रहा है मतलब एक गांव है, प्यारा सा गांव, उसका नाम है कमलदहा। वहाँ पे हम लोग स्कूल मतलब स्कूल के बाद ही मतलब उसको दिखाएंगे, जैसे कि ये मतलब सरकारी स्कूल है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये बोहर तालाब सारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ, उतना मतलब बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन आप दिखा रहा हूँ। और यहाँ से ये जो राउंड देख रहे हो मतलब रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल रास्ता है, मतलब दो ही रास्ता है इधर से, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब दोनों तरफ से आप गाड़ी चला सकते हो, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ से देख रहे हो कैसे कैसे गाड़ी आ रहे हैं, ये देखो कोई रूल नहीं है इस पर, और आप कैसे भी गाड़ी चला सकते हो, उसमें कोई धक्का मुक्की नहीं, बस देखो जा रहा है। और ये मतलब बहुत ही बड़ा पुल है, इस पर चढ़ने में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता था, साइकिल से जाते थे हम लोग, तो साइकिल से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता था हम लोग को। जो कि देख रहे हो गाइस ये बस है हमारे मतलब गाँव का बस ही है, जो कि आपको दरभंगा तक ही छोड़ सकते हैं। हमारा मतलब बहुत ही 30 किलोमीटर तो मधुबनी है, उसके आगे तो दरभंगा है हमारा, मतलब 50-60 किलोमीटर शायद आगे पीछे होगा, उतना मुझे पता नहीं है। कमलदहा का गांव है कमलदहा, उसके बाद ये आ जाता है हमारा मतलब थाना आ जाता है हमारा, ये यहीं पे मेरा बिजली ऑफिस है हम लोग का, ये बगल में आप लोग देख रहे हो, ये इधर हमारा मतलब ये रास्ता भी जो गया है वो बिजली ऑफिस चला जाता है, और ये हमारा जो है मतलब थाना आ गया, ये इधर ये भी बिजली ऑफिस का रास्ता है, और इधर से हम लोग थाना के आगे से हम लोग मुड़ेंगे, इधर चलने वाले हम लोग जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ से हम लोग मतलब राइट लेंगे, राइट से बस सीधी, जो कि मैं आपको पूरा थाना दिखा देता हूँ। ये रहा थाने का मतलब सारा, मतलब देख रहे हो आप गाड़ी उड़ी लगी हुई, ये हो गया थाना, जो कि मैंने थंबनेल में ये यूज़ किया था इस वीडियो का। और ये ब्लॉक है, ब्लॉक भी यहीं पर है, जो कि देख सकते हो बहुत ही बारी का ब्लॉक है, ब्लॉक है। और यहाँ पे मतलब सामान वामान अनाज उनाज सारा कुछ उतरता है, सारा काम भी होता है यहाँ पे, ये देख रहे हो। और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं झंझारपुर पुरानी बाजार से, और उधर से हम लोग निकलेंगे मतलब हैवी पकड़ के हम लोग उधर से निकलेंगे सीधा दरभंगा तो पहले नहीं जाएंगे, अभी हम लोग चलेंगे मधुबनी, जो कि कोई हमारा मतलब रिश्तेदार है, मतलब मौसी लगेगी, उसके घर पर हम चल रहे हैं आज, तो हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को। ये हो गया उस मतलब झंझार, ये मतलब ये कोई छोटा सा गांव है, लेकिन गांव का नाम है ये मतलब कोई भी, बट देख सकते हो आप बहुत ही अच्छा गांव है। और ये हो गया पुल, देखो देखो पुल की हाल, देखो ऊपर से ट्रेन जाती है ना इसके ऊपर से, झंझारपुर का हो गया मतलब ऊपर से मतलब ट्रेन जाती है, इसीलिए नीचे इतना खड्डा मिट्टी उट्टी सारा कुछ यहाँ पर रहता है भाई, साइकिल वाले की तो जान निकल जाती है यहाँ पे। और ये हो गया मतलब छोटा सा मतलब गाँव ही है, इसको हम पार करने वाले हैं। ये भी गाँव मतलब बहुत मतलब बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा मतलब कीचड़ रहता है, गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत देती है हम लोग को, गाड़ी या साइकिल जो भी हो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती है ये। और ये हम लोग, और ये मतलब ये हो गया इस गाँव का मतलब स्कूल, और है ये तालाब, और यहाँ पे भी मंदिर वंदिर है सारा कुछ है, मतलब ये भी गाँव बहुत ही अच्छा है, हम लोग घूमने आए थे,
देखो झंझारपुर का ट्रैफिक देखो, मतलब इस साइड मतलब लेफ्ट साइड रोड बन रहा था इसीलिए जो मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक बन रहा है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, पर भी होता था क्योंकि देख सकते हो कितना चौड़ाई है और रास्ता भी बनने वाला है, धीरे धीरे बन ही रहा है। मतलब ट्रैफिक में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा लग गया था हम लोगों को, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब लेट होने में बच गए, मतलब 2-3 मिनट से ही ज़्यादा मतलब लेट हो गए हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते, वो लेकिन टाइम पे हम लोग नहीं पहुँच पाए, पर उसका मतलब दिक्कत है हमें। लेकिन यहाँ पे यार इतना ज़्यादा मुझे उतर के मतलब एक पुलिस वाले साथ से कुछ बहस भी हो गया था, मेरा दोस्त बोला छोड़ दो हटाओ, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं डाला क्योंकि मतलब कुछ उस पुलिस वाले पे कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैंने सोचा मैं नहीं कर सकता ऐसी चीज़। भाई साहब यहाँ पे तो मेरी पानी छूट गई थी सारे बंदे की, तो ऑटो वाला देखो कितना धीरे धीरे चला था, इस बैक वाले को देखो उसको ऑटो वाले को कितना टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ एकदम मतलब सारा कुछ एकदम यार बिहार है ना, सारा कुछ एकदम पानी पानी हो जाता है यहाँ पे सारे बंदे, इधर से घुसो तो इधर कार घुसा देता तो देखो बंदे को। भाई साहब इतना ज़्यादा आगे स्विमिंग पूल तो देख लो, जो कि बिहार का भी लड़का सब है। हाँ स्विमिंग पूल देसी लौंडे इज स्विमिंग पूल, दिस इज स्विमिंग पूल ऑफ बिहार। हाँ स्विमिंग पूल इज बिहार। तो गाइस मैं बता रहा हूँ ये मतलब एक नदी है कमला नदी जो हमारे घर के पास से ही जाता है, इसीलिए भी इसमें पानी वानी नहीं है, तभी हम लोग आ गए हैवी भी। और ये जो गांव में मतलब अभी दिखा रहे थे स्विमिंग पूल भी हम लोग कह रहे थे, ये मतलब एक गांव का नाम है प्रतापपुर है इस गाँव का नाम। तो यहाँ से हम मतलब लेफ्ट लेके और राइट लेंगे, पहले हम लोग लेफ्ट लेंगे उसके बाद आगे से हम लोग राइट लेंगे जो कि अभी ट्रक पास हो रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो फिर अभी हम चलते हैं, थोड़ी देर आगे चलेंगे उसके बाद हम राइट लेंगे, तब तक मैं आपको मतलब हाईवे का मतलब थोड़ा बहुत वीडियो मतलब दिखा देता हूँ मैं आप लोग को इधर से। ये देखो पूरा खाली भरा है, इस सब में पानी पूरा भरा रहता है, ये जो ट्री व्री लगा है सारा कुछ मतलब पानी में डूब जाता है, इस मंदिर भी आधा बहुत डूब जाता है, यहाँ पे ये भी डूब जाता है, मतलब NH पे मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है, इसी मतलब इधर तकलीफ रहता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है इधर। तो कभी हम मतलब NH पे आएंगे तो हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे जो मतलब कैसे कैसे होता है, जो कैसे पानी भरा रहता है। तो ये हुई मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा है इसीलिए मतलब कैमरा आप देख सकते हो कैसा हो रहा है, एकदम पूरा झल झल कर रहा है ना, एकदम पूरा एकदम पानी की तरह हिल रहा है कैमरा, जो कि ये मतलब इतना ज़्यादा धूप है इसीलिए कैमरे को ये हाल है। और हमारा गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं है, 50 चला रहे हैं हम लोग, ट्रिपल लोड हैं और इसीलिए 50 चला रहे हैं हम लोग, जो कि एक पुलिस वाले भी देखा था, तो मतलब हेलमेट भी है हम लोग के पास, जूता भी है, सारा कुछ भी है, गाड़ी का लाइसेंस भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन हम लोग मतलब कोई रूल नहीं तोड़ रहे। तो शायद हम लोग अब आगे से हम लोग कटने वाले हैं इसीलिए इसने इधर किया है गाड़ी, बस हम लोग अब राइट लेंगे। बस रुक जाओ, चलो। अब भाई यहाँ से मतलब कम से 2-3 किलोमीटर के बाद हम शायद इसको बोलने वाले हैं जो मतलब रोक लेना, पानी वानी पीना होगा, तो मैंने इसको बोल दिया था वो सुन नहीं पाया। ये अब ट्राली देख रहे हो, ट्राली मतलब यहाँ पे मतलब दो ही रहता है, एक मतलब 4 टायर, एक होता है 2 टायर ट्राली होता है हमारे यहाँ, जो कि मतलब पंजाब से में होता है 6 ट्राली 7 ट्राली होता है उसका। और ये आ गया हमारा मतलब कंटेनर, भाई यहाँ पर देखो अभी लगाया हुआ है। और इस मंदिर से आगे मतलब देखते रहना आप, जो कि वहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है देखने में आगे से ये कुछ यहाँ पे हो रहा है, नहीं वैसे ही मतलब ये रोका है कोई प्रशासन की गाड़ी है इसलिए। और ये जो रोड इधर से गए लेफ्ट राइट वाली, ये भी रोड हमें आगे से भी पकड़ा जाता है, मतलब हम लोग निकलना चाहें तो निकल सकते हैं हम लोग आगे से, लेकिन हम लोग ने मतलब पूरा सीधा रास्ता पकड़ लिया, जो कि गाइस ये देख सकते हो इधर आपको सिर्फ स्कॉर्पियो ही देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियो एंड ब्लोरो, क्योंकि बिहार और हरियाणा देखो पुलिस की गाड़ी गई, हम लोगों को कुछ नहीं बोला, बिहार और हरियाणा के बीच में आपको यही मिलेगा स्कॉर्पियो एंड ब्लोरो सिर्फ। और फॉर्चुनर सब ये सब मतलब बहुत ही कम यूज़ होता है, थार फॉर्चुनर ये सब हमारे इधर बहुत ही कम यूज़ होता है,
पर स्कॉर्पियो ट्रेंडिंग है और उसके बाद ब्लोडो ट्रेंडिंग है हमारे यहाँ। और ये मतलब हो गया, मतलब ये बहुत ही घना जंगल है, देख सकते हो आप बहुत। और इसने कहीं पर गाड़ी रोका नहीं क्योंकि इधर मतलब होते हैं क्रिमिनल तिमिनल रहता है इधर, जो कि हम लोग को मतलब डरा धमका सकता है, मतलब कोई भी है। डीजे देखे आप, ऐसा डीजे था। और यहीं से आगे जाके हम लोग कोई ठंडा उंडा पियेंगे, पानी वानी पियेंगे। और भाई साहब पूरा गला सूख गया है, देखो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, सारा कुछ स्कॉर्पियो ही मिलेगा आपको इधर भाई। ये हो गया मतलब ये छोटा सा बाजार है। तो ये देखो भाई साहब क्या है, तो रहे ना सारे बंदे एकदम मतलब टॉर्चर करने में बैठे रहते हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग क्या कर सकते, उसको भी कुछ नहीं कह सकते, किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब अपने अपने मतलब ये बिहार है, सब अपने अपने धुन में पागल रहता है। किसी को आप कुछ बोलोगे तो वो बोलेगा कि तुम मुझसे तो क्यों वो बात कर रहा है, ये फलाना ढंगाना, बहुत ही ज़्यादा तंग करने लगता है। और आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा एयर हो गया एम्बुलेंस, बहुत ही गंदी गंदी बात करने लगता है। यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और हम लोग मतलब इसमें अभी बच्चे हैं और हम लोग को मतलब कोई भी मतलब इतना देते नहीं। प्रसाद को प्यास लग गया, बेचारा मर रहा है प्यास से, इसको पानी चाहिए। और एकदम सूखा जा रहा है मन, कम से कम 100 का स्पीड चला के आया है। कितना किलोमीटर होगा कम से कम? 30 किलोमीटर हम लोग पार कर गए हैं। और रमन भाई का हाल देखिए, एकदम मुस्कुरा रहे भाई साहब, ये बंदा गुड है। अभी पानी वानी पियेंगे, उसके बाद माजा वजा कुछ भी लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, तो जब तक कॉलेज पे नहीं पहुँचते तब तक ब्लॉग एंड नहीं कर सकते हम लोग, है ना? बोल ले कुछ बावले, क्या बुरा हाल है? अभी गाड़ी चला, ये एक अच्छा वाला आ रहा है, देखो कितना मस्त कुछ वाले वो लगा है। स्कॉर्पियो खाली बिहार में आपको सिर्फ स्कॉर्पियो देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, स्कॉर्पियो और एक स्प्लेंडर मिलेगा, और मतलब ऐसे लौंडे मिलेंगे जिसको कान में सोने का बाली होगा। चले गए वो रावण भाई का डायलॉग मुझे बहुत गजब लगता है भाई। तो हम लोग को यहाँ पे पानी तानी हो गया, सारा कुछ हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं गाइस। गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी लग रहा है हमें, और जैसे कि एकदम गर्म गर्म हवा, जैसे ए सी तो बाहर में ए सी जो रहता है उसका गर्म गर्म हवा होता है, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब फैन वाली होती है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और देखो स्कॉर्पियो ब्लोडो स्कॉर्पियो सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ब्लोडो स्कॉर्पियो आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, सिर्फ पानी पिए हम लोग, मतलब लीटर लीटर पानी पिए हम सब। और वो दुकान वाला बोल रहे हैं भाई आप लोग इतना ज़्यादा पानी पी लिया, हम लोग बोले 3 लीटर तो हम लोग एक सांस में पी लेते हैं। कहता नहीं है आप लोग सही से पानी पी के बैठते हैं, हम लोग हमको लग रहा है मुझे बिल्कुल यहाँ मुझे लेट हो रहा है। मैंने पानी पिए और वहाँ से मैं स्पीड गाड़ी में बोल रहा हूँ, थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड नहीं है, आपको पूरा पता चल रहा होगा, स्कॉर्पियो पूरा भी पता चल रहा होगा, गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं है। और बस हम लोग अब थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं, अब एक रेलवे आएगा उसके बाद हम लोग पार कर जाएंगे। और बस हम लोग मधुबनी मतलब आ गए, मतलब मधुबनी बॉर्डर से हम लोग अंदर आ गए, मतलब वैसे कह रहा हूँ बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ मधुबनी बॉर्डर में हम लोग आ गए। और ये बस आगे मधुबनी, और ये है बैनर मधुबनी का, और यहाँ से मतलब हम शहर में आ गए। ये पेट्रोल पम्प है देख लो, और ये हो गया बाज़ार, कैसा बाज़ार है देखो, मतलब उतना नॉर्मली है, हम लोग से तो बहुत ही बढ़िया है। हम लोग इसको बाज़ार कहते हैं, हम लोग को आना पड़ता है जैसे शादी विवाह में काम कोई होता है, हम लोग यहाँ पे आते हैं। और देख सकते हो ये मतलब हो गया चप्पल दुकान, दवाई की, ये सारा कुछ, ये हो गया मतलब रेस्ट रूम, ये सब सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इसको देखो क्या ये ले जा रहा है, बच गए उस, किसी को मतलब पैर हाथ में भुका सकता था वो, मतलब इतना बड़ा मतलब पतला सा रॉड था जो कि बहुत ही खतरनाक देखने में लग रहा था। मैं उसको बोला बचा ले, मैं अपने दोस्त को बोला था उगन को, जो बचा लो आप, वो बोला ओके ओके मैं बचा लूँगा, आप मुझ पे विश्वास रखो। मैं बोला ओके भाई चलाओ, सिर्फ आप गाड़ी चलाओ। वो तो कह रहा भाई मेरा बुरा हाल हो चुका है सच्ची में यार, वो हेलमेट भी नहीं लगा रहा इसीलिए उसको, मुझको जब इतना गर्म गर्म हवा लग रहा है तो उसको तो भाई कितना ज़्यादा लगेगा, वो तो आप लोग जानते ही हो। और भाई मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एक मंदिर, भाई ये मंदिर देख के आप हैरान हो जाओगे जो कैसे बनाया है। ये देखो कोई भी
कोई भी कलर ना पेंट। ये मंदिर एक नया में बनाया, थोड़े दिन के बाद ये भी पुराना हो जाएगा कुछ भी इसका नहीं। एक बंदे का मतलब लाश जा रहा था, हम लोगों ने इसका वीडियो बनाया, मतलब गलती मत सोचना भाई, अब सबको जाना ही है तो मैंने वीडियो बना लिया, तो कोई बात नहीं। देखे फिर भी आप लोग स्कॉर्पियो देखे ही होंगे, सारा कुछ देखते ही हैं, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ही सिर्फ आपको मिलेगा देखने के लिए। एक बार दरभंगा हम लोग चलने वाले हैं, उसमें भी दिखाएंगे आपको, वहाँ पे भी मतलब ये तो छोटा सा कंट्री है और वहाँ पे तो आपको दिखाएंगे मतलब दरभंगा का। कभी हमें मतलब काम पर गया तो दरभंगा भी हम लोग चलने वाले हैं, और हमारे फ्रेंड का मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम है, मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम है इसीलिए हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं। हमारा एग्ज़ाम हो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं, हम इसको यहाँ पे यहीं पे घर पे छोड़ यहीं पे इसको छोड़ देंगे, और जब तक इसका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग आएंगे नहीं, हम लोग कहीं पे और जाने वाले हैं। कम मेरी मौसी रहती है यहाँ पे, मौसी जी रहती हैं, उनके घर पे जाने वाले हैं, और ये कॉलेज हो गया। ये मेरी मौसी है और ये मेरी बहन है छोटी, इधर देख, हेलो, इधर 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 इधर, लाइट बढ़ रहा है ना, क्या नाम है आपका, क्या नाम है बोलो। अच्छा पहले देखो, क्या नाम है तुम्हारा, बाय बाय। तुम्हारे लिए इतना दूर से है लेकिन तुमने बात नहीं किया ना।